रसमलाई और डेजर्ट दोनों सबको बहुत पसंद आते हैं, तो क्यों ना रसमलाई और डेजर्ट को एक किया जाए। आज मैं आपके लिए रसमलाई डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जितने सुंदर दिखते हैं उतना ही खाने में लाजवाब तैयार होता है, और दोस्तों गर्मी में इसे खा के बहुत ही ठंडक का एहसास होता है। तो चलिए देर ना करते हुए रसमलाई डेजर्ट बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई डेजर्ट बनाने के लिए एक मिश्रण तैयार करना है, वो कर लेते हैं। मैंने वेज जेलेटिन लिया है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार की बॉटल जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है। मैं हमेशा ये डेजर्ट बनाने के लिए वेज जेलेटिन का ही उपयोग करती हूँ। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं 1/4 टेबल स्पून वेज जेलेटिन डाल देती हूँ। मैंने 200 ml दूध लिया है। ये डेजर्ट के अंदर हमें 200 ml दूध लगेगा। उसमें से मैं थोड़ा दूध जो वेज जिलेटिन है उसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। दोस्तों मैं हमेशा यही प्रोसेस से करती हूँ। कई लोग डायरेक्ट जिलेटिन भी यूज़ कर लेते हैं, पर मैं हमेशा इसी प्रकार से तैयार करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने एक हैवी बॉटम पैन ले लिया है और जो हमारा बचा हुआ दूध है वो पैन में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है वो लिया है और उसे मैंने फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख दिया था। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो क्रीम का पानी वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ गया है और ऊपर एकदम गाढ़ा वाला क्रीम हमें मिला है। हमें ये गाढ़ा वाला क्रीम का ही उपयोग करना है। आप जब भी ये डेजर्ट बनाएं तब इस प्रकार से जो क्रीम का है डब्बा उसे फ्रीजर में रख दीजिएगा। इससे जो क्रीम का गाढ़ा वाला क्रीम है वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाएगा। 300 ml गाढ़ा वाला क्रीम लेना है। आप ये डेजर्ट बनाने के लिए घर की मलाई का उपयोग बिल्कुल भी ना करिएगा। इस प्रकार से जो अमूल का क्रीम आता है उसी का उपयोग कीजिएगा। मेरे पास ये रस मलाई क्रश है। दोस्तों मैं हमेशा ये डेजर्ट बनाने के लिए क्रश का उपयोग करती हूँ। इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून रस मलाई क्रश ऐड कर देती हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर हमें ज़रूरत लगे तो आगे और 1 टेबल स्पून क्रश ऐड करेंगे। अब मैं सारी सामग्री को आँच पे गरम कर लेती हूँ। दोस्तों हमने इसमें क्रीम डाला है तो इसे हम धीमी आँच के ऊपर गरम करेंगे। इसे लगातार स्टर करते हुए कुक करेंगे। आधा मिनट हो चुका है और मिश्रण गरम हो चुका है। अभी हमने जो वेज जिलेटिन को डाइल्यूट किया था उसे मैं मिश्रण के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेज जिलेटिन डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो वेज जिलेटिन नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा और आपका डेजर्ट ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप वेज जिलेटिन का उपयोग करें तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। हमें इसे मीडियम आँच के ऊपर ही कुक करना है। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है और इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब मैं आँच को बंद कर देती हूँ। हमें ये डेजर्ट को बिल्कुल भी उबालना नहीं है। इस प्रकार से जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाता है तब मैं इसे कुक करना बंद कर दूंगी। अब मैं मिश्रण के अंदर 1 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। मिश्रण ठंडा हो चुका है और इसे मैं सेट करने के लिए मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है, इसके अंदर मैं डेजर्ट को रेडी करने वाली हूँ। मैं मोल्ड के अंदर मिश्रण को डाल देती हूँ।
दोस्तों हमें ये काम थोड़ा सा स्पीड में करना होगा क्योंकि यह डेजर्ट बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, तो आप इसे जल्दी से मोल्ड के अंदर डाल दीजिएगा। और अगर कभी आपका मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो आप बिल्कुल भी ना घबराइएगा, थोड़ा वापस इसे गर्म कर दीजिएगा तो ये तुरंत लिक्विड हो जाएगा, फिर आप इसे मोल्ड में सेट किए रख लीजिएगा। मैंने सारे मिश्रण को मोल्ड में डाल दिया है, अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी और फिर मैं इसे फ्रीज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और दोस्तों अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट भी कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका था और मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसे अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। अब मैं दूसरा पीस भी आपको अनमोल्ड करके दिखाती हूँ। अरे बाप रे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेजर्ट सेट नहीं हुआ है और इस प्रकार से टूट गया है। मेरे घर में ये डेजर्ट सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही इसे बाहर निकाल लिया। पर जब भी आप अपने घर में बनाएं तब इसे अच्छे से सेट कीजिएगा, तो आपको ये मेरी तरह दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी का जो डेजर्ट है वो अच्छे से निकल आया है, पर मेरे ये दो पीस हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, ये इतना टेस्टी है कि सब प्यार से इसे खा लेंगे। मैंने मोल्ड में से सारे पीस को निकाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा लग रहे हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ही सर्व कर सकते हैं, पर मैं आपको मेरे घर में जैसे मैं सजाती हूँ वो दिखाती हूँ। मेरे पास ये छोटे रसगुल्ले हैं, तो वो मैं डेजर्ट के ऊपर रख देती हूँ। रसगुल्ला कैसे तैयार करना है उसकी रेसिपी मैंने पहले आपको सिखा दी है, लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी रेसिपी देख सकते हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रसमलाई का जो क्रश है वो डाल दूँगी, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनेगा। इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम रख देती हूँ, बारीक कटे पिस्ता के टुकड़े और दोस्तों इतना सुंदर डेजर्ट हमने तैयार किया है, तो मैं ऊपर से वरक लगा देती हूँ। वरक लगाना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर आपको पसंद है तो आप ज़रूर से लगाइएगा, वरक इसकी शान और बढ़ा देगा। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस रसमलाई डेजर्ट बनके तैयार हैं। आप इन गर्मियों में बनाइए और अपने सारे परिवार को खुश कर दीजिए।